हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत 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 ज़्यादा अच्छे होंगे। और आज मेरा ये सिर्फ 2-3 मिनट का वीडियो है, क्योंकि फ़ोन में स्पेस नहीं है बिल्कुल भी वीडियो बनाने का। तो थोड़ा सा बना है, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखें, यहाँ सुबह सुबह सबसे पहले मैं और बाबू ब्रश कर रहे हैं दोनों। मैं बाबू को ऐसे ब्रश कराती हूँ थोड़े इत्मीनान के साथ, ताकि वो अच्छे से कर ले, क्योंकि वो अब खुद से करने की ज़िद करता है। और खुद से बच्चे जल्दी अगर करेंगे तो अच्छे से नहीं कर पाएंगे, उनको कम से कम 5 से 6 मिनट तो चाहिए ब्रश करने के लिए। तो बस मैं उसके साथ ऐसे ब्रश कर लूँगी, मैं भी कर लूँगी और वो भी। तो जैसे जैसे मैं करती हूँ वैसे वैसे वो भी करता है, इसलिए मैं उसके साथ ही ब्रश करती हूँ, हम दोनों साथ में ब्रश करते हैं। वैसे मैं जल्दी उठ जाती हूँ, पर मुझे ब्रश उसके साथ ही करना होता है, नहीं तो वो बोलेगा फिर दोबारा से करो। कभी कभी तो मैं 2 बार भी कर लेती हूँ, कोई बात नहीं, तो अच्छी हैबिट है ना। तो बस ये देखिए, बाबू और मैं ब्रश करते जा रहे हैं। और गाइस, मेरे ना फ़ोन एक तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे फ़ोन में, इसलिए मैं वीडियो भी नहीं डाल पा रही हूँ और यूट्यूब से भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो बहुत ज़्यादा टूट भी जाती हूँ, पर क्या करूँ, फिर से मोटिवेट हो जाती हूँ, फिर से मतलब कुछ लोगों की वीडियो देख लेती हूँ, मुझ में भी हिम्मत आ जाती है ये सब करने की, इसलिए मैं फिर से शुरू हो जाती हूँ वीडियो बनाने के लिए। और बिल्कुल भी मोबाइल में स्पेस नहीं बचा है, मेरा मोबाइल ख़राब हो चुका है। आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, 4 साल पुराना फ़ोन है तो ख़राब तो होना ही है। तो बस जैसा मन पड़ता है वैसा कर देती हूँ। और आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, वीडियो को फुल वॉच कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, मैं भी काफ़ी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे ब्रश वगैरह हो गया था, तो बाबू ले रहा था दूध और बिस्किट, तो मैंने सोचा ये भी थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे हमारा नाश्ता हो रहा है ब्रश करने के बाद। तो देखिए, यहाँ पे बाबू जो है कुछ बातें कर रहा था, पर लेकिन टीवी भी चल रहा था, पहले मैंने ध्यान नहीं दिया, तो इसलिए मैंने उस वाली आवाज़ को डिलीट करके दोबारा से आवाज़ डाल दी है इसके अंदर। तो ये देखिए, मैंने मोबाइल को रख दिया था थोड़ा साइड में, और यहाँ पे मैं भी 1-2 बिस्किट खा लूँगी, मेरा भी यही नाश्ता हो जाएगा। बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ कि पेट भर के ये वो नहीं, थोड़ा सा खाती हूँ। एक तो वैसे ही इतनी ज़्यादा मोटी होती जा रही हूँ मैं, पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। और बस यही थोड़ा सा हल्का फुल्का नाश्ता है मेरा। और आप लोग ज़रूर बताइएगा आप सब कैसे हो, आप सब ठीक हो ना, क्योंकि इस कोरोना के बीच ठीक रहना बड़ा मुश्किल है। तो बस और बस यहाँ पे नाश्ता चल रहा है, आइए आप लोग भी कर लीजिए नाश्ता। बस यही सिंपल सा नाश्ता रहता है रोज़ मेरा, बाबू का दूध है, उसी में 1-2 बिस्किट खा लेती हूँ, दूध नहीं पीती हूँ। पता नहीं क्यों अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है उल्टी आ जाएगी, तो मैं ज़्यादा नहीं पीती हूँ। और बाबू अभी जो है पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है, और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ किचन में आके। तो फिर भी बाबू की आवाज़ आपको आ रही होगी, तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। और बस क्या बताऊँ आप लोगों को, ऐसा ही चल रहा है बस। अभी हमारा सब काम थोड़ा, वो क्या कहते हैं ना कि जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है, बस ऐसा ही चल रहा है, हर जगह से मुसीबत आए जा रही है, क्या करें। और मैंने ये देखा, ये मेरे साथ नहीं, सभी के साथ है, मतलब जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है, वही है, हर तरफ से मुसीबत आ रही है। मोबाइल भी ख़राब हो रहा है, और लेने का भी बिल्कुल भी बजट नहीं है, बिल्कुल भी। तो अगर काश कुछ YouTube से हेल्प हो पाती तो मैं एक नया फ़ोन ले पाती, क्या करूँ, नहीं हो रही है। पता नहीं कब मेरा मोनो होगा, कब मेरा पिन आएगा, कुछ पता नहीं। मैं तो इसको एक ख्वाब ही समझती हूँ, कभी पूरा होगा कि नहीं पता नहीं, पर मैं अपने ख्वाब को पूरा करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी। ये मेरा सपना है कि मैं YouTube पे सक्सेस हासिल करूं, यही मेरा एक सपना है, तो इसको मैं पूरा करके ही रहूंगी, चाहे मुझे 2 से 3-4 साल लग जाएं, कोई बात नहीं। तो देखें, यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में रखा है मैंने तेल, और तेल के अंदर मैं डाल दूँगी अजवाइन, ये देखिए अजवाइन डाल दूँगी। और मैं बनाने जा रही हूँ आज फली, इन फली को क्या कहते हैं पता नहीं, तो मैंने लहसुन भी डाल दिया है, ये देखिए लहसुन हमारा पक चुका है। तो अभी मैं इसके अंदर डाल दूँगी धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, और बस ये सारे मसाले जैसे ही पक जाएंगे मैं इसके अंदर क्या डालती हूँ वो आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये मैंने बहुत ही शॉर्ट तरीके से शूट किया है, तो देखिए ये वाली फली है, इन फली को क्या बोलते हैं नहीं पता, तो मैंने इनको उबाल के अच्छे से इनका पानी निकाल के निचोड़ दिया है, ये देखिए अच्छे से उबाल दिया है मैंने, पक चुकी है, मैं आप लोगों को दिखा रही थी, और ये बहुत बहुत अच्छी लगी थी खाने में। तो हमारा मसाला पक चुका है, इसके अंदर डाल दिया है मैंने ये फली, और ये फली बहुत अच्छी लगी, और मैंने ना इसके अंदर नमक भी डाल दिया था। और ये देखिए हमारी फली बनके तैयार है, आइए आप लोग भी खा लीजिए, ये हो जाएगा हमारा लंच दोनों का। तो बस यही था आज का मेरा छोटा सा वीडियो, आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। देखिए फली है, मिर्च का अचार, प्याज, रोटी, यही लंच है सिंपल सा, हम सिंपल से लोग हैं, बहुत सिंपल सा हमारा खाना होता है, बहुत ज़्यादा सिंपल खाना होता है। तो बस ये देखिए यही है हमारा खाना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाएं, हो सके तो मेरी वीडियो को प्लीज़ शेयर करें। तो चलिए मैं चलती हूँ, मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।